हेलो गाइज, कैसे हो? वेलकम टू यूनिवर्सल बाइक नॉलेज। और अभी हीरो मोटर कॉर्प के दो ही बाइक हैं 125 सीसी की, लेकिन भाई तीसरी आ चुकी है जिसका नाम है स्ट्रीम 125R। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे सारी डिटेल, क्या कुछ इसमें आपको नया मिलने वाला है। ब्रांड न्यू इंजन है 125 सीसी का, जिसकी जो मैक्स पावर है 11.4 PS की है और जिसका मैक्सिमम टॉर्क 10.6 न्यूटन मीटर का मिलता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पावर मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको टॉर्क फिगर देखने को मिलता है और उसके बाद जो पावर टू वेट रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है, क्योंकि 133 केजी से लेके 136 केजी तक इसका जो है वेट है। तो आपको पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है। हीरो मोटोकॉर्प ने पहली बार एक ऐसी बाइक निकाली है फर्स्ट इन सेगमेंट, जिसमें आपको सब कुछ नया मिल रहा है। यानी 125 सीसी की जितनी भी बाइक मार्केट में आ रही हैं, सबको यार ये बाइक खाने वाली है। कैसे, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए फ्रंट का लुक देखिए, तो फ्रंट में जो आपको लुक मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक यहाँ पे दिखने वाला है। एक स्पोर्टियर बाइक है, एक स्पोर्टियर मशीन आपको मिलने वाली है। फ्रंट में आपको यहाँ पे डैरल देखने को मिलेंगे। इसकी जो हेडलाइट की सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रखा गया है। नीचे में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प ऑफर किए जा रहे हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया सा लुक यहाँ पे दिखने वाला है। और ये देखिए इंडिकेटर, आपको ये आपको फ्लेक्सिबल हैं, बढ़िया हैं, टूटेंगे नहीं जल्दी से। ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा रखा गया है LED के साथ में। फ्रंट में देखिए आपको डुअल टोन कलर देखने को मिलता है, जिसमें आपको आगे में ब्लू और पीछे में आपको ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। जो फ्रंट वाला टायर आपको मिलेगा 90x90 सेक्शन का मिलेगा, 17 इंच के आपको अलॉयबल्स मिलेंगे। मैंने पहले बताया था कि दो वेरिएंट में आता है, एक IBS के साथ, एक आता है ABS के साथ। जो IBS वाला है उसका एक्सोरूम प्राइस आपको मिलेगा 95,000 और जो ABS वाला है उसका एक्सोरूम प्राइस आपको मिलेगा 99,000 के आसपास। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें, करीब 1,20,000 से लेके 1,15,000 से 1,20,000 के आसपास में ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। बढ़िया सी बाइक आपको 125 सीसी की मिल जाएगी। तो चलिए और देखते हैं। यहाँ पे देखिए टेलीस्कोपिक फोर टाइप के आपको सस्पेंशन मिल रहे हैं, जिसमें आपको ABS की यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी। दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे और सिंगल चैनल ABS आपको मिल रहा है। चलिए बात करते हैं इसके साइड फेयरिंग की, साइड में आपको क्या कुछ नया मिलने वाला है, दिखने वाला है। तो यहाँ पे देखिए साइड में इसका जो एक्सटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जिसमें 125R की आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। और ये जो कलर है ये है ब्लू विथ सिल्वर कलर, देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, आइकॉनिक डिज़ाइन है। और यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया गया है, फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर रखा गया है। इससे जो इसकी क्वालिटी है, जो अग्रेसिवनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। उसके बाद 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रीम का 3D लोगो देखने को मिल रहा है, E20 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और फ्यूल टैंक का टॉप डिज़ाइन देखिए कितना ज़्यादा मस्कुलर है, कितना ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे फर्स्ट इन सेगमेंट आपको टैंक पैड भी ऑफर किया जा रहा है। सीट आपको स्प्लिट में मिलती है। तो भैया जो आप राइडर 125 में ढूंढ रहे थे वो बिल्कुल खाने वाली है ये बाइक, जैसे ही मार्केट में आएगी, डीलरशिप पर आएगी, एक्चुअल में ये सभी 125 सीसी बाइकों को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। वो तो बात आगे पता चलेगी जब ये अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इंजन की। तो भैया इंजन मैंने बता दिया था आपको, ब्रांड न्यू इंजन मिलता है 125 सीसी का, एयर कूल सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 E20 अपडेट के साथ में। एक बात और देखिए, 125 सीसी होने के बावजूद जहां पे लोग किक स्टार्ट को ख़त्म कर रहे हैं, वहां पे हीरो मोटोकॉर्प ने किक स्टार्ट दे दिया। भाई यहां पे आप पावर स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों तरीके से इस बाइक को स्टार्ट कर पाओगे, कितना बढ़िया चीज़ है। 180mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है और यहां पे नीचे आपको अंडर बेली मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं कि इंजन काउल, वो भी देखने को मिलेगा। कुल मिला के एक बेहतरीन मशीन आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए जो इसके फूड पैक्स हैं, हल्का सा पीछे की तरफ है, सेंटर में नहीं है, हल्का सा पीछे की तरफ है, जिससे जब आप इस बाइक पर बैठोगे तो एक आपको अग्रेसिवनेस नज़र आने वाली है। यहाँ पे देखिए जो राइडर वाले हैं वो भी हल्का पीछे की तरफ है और जो प्लेन वाले हैं वो भी हल्का पीछे की तरफ है। आपको एग्जॉस्ट कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट मिलता है, स्ट्रीम 160R तो आपने ज़रूर देखा होगा, उसी बेस पे यहाँ पे एग्जॉस्ट दिया गया है, क्योंकि इसका नाम है यार स्ट्रीम 125R। पीछे के टायर देखिए, फर्स्ट इन सेगमेंट हीरो मोटर को आपने एक बहुत ही दमदार ट्यूबलेस टायर दिया है। कितने सेक्शन का है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, 120 सेक्शन का यहाँ पे टायर दिया है। पीछे में आपको 120x80 सेक्शन का टायर मिलता है, 17 इंच के आपको अलॉयबल्स मिलेंगे। और यहाँ पे पीछे में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक ऑफर कर रही है हीरो मोटर कॉर्प कंपनी। और अलॉयबल्स का डिज़ाइन आप चेकआउट करो, कितना ज़्यादा बढ़िया है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। MRF कंपनी का एक बढ़िया टायर मिलता है, टायर की ग्रिपिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है। पीछे में देखिए तो आपको टायर हगर देखने को मिलता है, फर्स्ट इन सेगमेंट हीरो मोटर को आपने 125 सीसी में आपको टायर हगर दिया है। यहाँ पे देखिए साड़ी गार्ड का काम करेगा, ये लाइक फाइबर का है लेकिन साड़ी गार्ड जैसा काम करेगा। इसमें फूटर्स वगैरह नहीं दिया गया, हो सकता है एक्सेसरीज के तौर पर आपको मिल जाए। पीछे में काफ़ी अच्छा खासा आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए पैनल,
ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। हीरो यहाँ पे स्टिकर लिखा हुआ है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स है। साइड स्टैंड मिल रहा है, साइड स्टैंड बट आप सेंसर भी इस बाइक में मिलता है। अभी मैंने इसमें डुअल स्टैंड नहीं देखा है, तो हो सकता है एक्सेसरीज के तौर पर आप डुअल स्टैंड लगवा पाओ। बाकी यहाँ पर लिखा है स्प्रिंट EBT, यहाँ पर देखिए। तो ये एक लोगों से कनेक्शन करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश है हीरो मोटर को आपकी स्टीम 125R को लेके। तो यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 2 बटन मिलते हैं, मोड एंड सेलेक्ट। तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट भी कर पाओगे। साइड स्टैंड का आप सेंसर मिलेगा, लो फील वार्निंग मिलेगी, इंजन चेक लाइट मिलेगी, टर्न इंडिकेटर, ABS की लाइट, और बाकी इसमें आपको गियर इंडिकेशन पोजिशन शो करेगा, RPM मीटर शो करेगा, ट्रिम मीटर वगैरह की डिटेल आप चेकआउट कर पाओगे, टाइमिंग आप चेंज कर पाओगे। लेकिन एक फीचर मिस कर दिया यहाँ पे हीरो मोटर को आपने, वो है भाई कनेक्टिविटी वाले फीचर। तो कनेक्टिविटी वाले फीचर्स इस बाइक में अभी फिलहाल नहीं है। आई होप जब अपडेट होगा कभी तो कनेक्टिविटी वाले फीचर्स आ जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए आगे और भी ऐसे कंटेंट लेके आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।